वेलकम टू माय चैनल गिनी मॉम्स किचन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टेस्टी टेस्टी पनीर के पकोड़े, जो कि सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो पनीर। सबसे पहले हम पनीर को टुकड़ों में काट लेंगे। टुकड़े ना तो ज़्यादा बड़े होने चाहिए और ना तो ज़्यादा छोटे। और पनीर को काटने में मेरी हेल्प कर रहा है मेरा बेटा। वो जिद कर रहा था कि मम्मा मैं भी आपके साथ हेल्प करूँगा। तो मैंने कहा चलो आप भी कर दो पनीर के पकोड़े बनाने में मेरी हेल्प। लो जी, अब मेरे बेटे ने देखो पनीर को कितना अच्छा काट दिया है। इक्वल पीसेस में चलो हमारा पनीर हो गया रेडी। तो अब दूसरी साइड मैं करने वाली हूँ बैटर रेडी। चलिए अब इसका बैटर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बाउल। अब मैं इसमें डालूंगी बेसन। मैंने 4 बड़े चम्मच बेसन लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। जैसे सबसे पहले मैं ले रही हूँ अजवाइन 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्ची स्वाद अनुसार, जीरा 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। अब हम मिक्स करते हैं। लीजिए अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। तो अब हम एक एक पीस को बैटर में अच्छे से मिक्स करके तेल में डालते जाएंगे। पनीर के ऊपर बेसन की कोटिंग अच्छी होनी चाहिए, हमारा पनीर बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए। अब मैं एक चम्मच की सहायता से पकोड़ों को बैटर में अच्छे से कोटिंग करके एक एक करके तेल में डालती जाऊंगी।
आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं। हाथ थोड़े से गंदे हो जाते हैं और बार बार धोने पड़ते हैं क्योंकि उससे छलनी भी पकड़नी पड़ती है हमें, इसलिए तो मैं ज़्यादा प्रेफर स्पून को ही करती हूँ। पकोड़े ना ही ज़्यादा हाई फ्लेम में बनाने चाहिए और ना ही ज़्यादा लो में, मीडियम फ्लेम में बनाने चाहिए, ताकि अगर हम हाई फ्लेम में बनाएंगे तो हमारे पकोड़े हैं जो वो कच्चे बनेंगे, उसका जो बेसन है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसे हमेशा मीडियम फ्लेम में ही बनाएं। अब इसको धीरे धीरे हम हिलाएंगे क्योंकि ज़्यादा हिलाने से जो पनीर के ऊपर हमने बेसन की कोटिंग की होती है वो उतर जाती है, तो इसको हम बड़े ही ध्यान से धीरे धीरे हिलाएंगे और हम इसको डीप फ्राई करेंगे। लीजिए पकोड़े अब बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए, तो चलिए अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और इसे मैं पुदीने की चटनी के साथ सर्व करूँगी। लीजिए पुदीने की टेस्टी टेस्टी इमली की खट्टी चटनी और पनीर के पकोड़े, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।